मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज परिणाम सामने आए और धार जिले में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त ली है। हम बता दें आपको कि धार में 2 सीटें भाजपा को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। धार के गंधवानी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे उमंग सिंघार ने 4थी बार जीत दर्ज की और यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 23,000 के मार्जिन मतों से हराया है। इस वक्त हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार जी, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से हमेशा गंधवानी विधानसभा की जनता चुनाव जिताती है और उन्होंने ये एक संदेश दे दिया कि गंधवानी एक अजय है कांग्रेस के लिए और उनके आशीर्वाद और सहयोग से ही चुनाव जीता हूं। कठिन परिस्थितियां रही इस बार के चुनाव में आपके लिए, कहीं न कहीं ये 2023 का जो चुनाव था वो आपके लिए एक ऐसा चुनाव रहा कि शायद अभी तक 3 चुनावों में इतनी संघर्ष नहीं करना पड़ा, फिर भी आपने उसमें ताकत दिखाई है। अब देखिए, सत्ता संगठन हमेशा जो शत्रु होता है उसको बनाने की घेराबंदी की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक है, गंधवानी की जनता मेरे को बाहर निकाल के देती है। कहीं न कहीं सरकार कांग्रेस की बनने के पूरे आसार थे, लेकिन क्या ऐसा रहा कि जो जनता ने फिर मैंडेट भाजपा को दिया? ये एक पार्टी के लिए आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हम हमारी योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा पाए, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और क्या कारण रहा कि इस प्रकार हम लोग जो पार्टी ने वादे किए थे उन वादों पर हमने तो विश्वास जताया, लेकिन जनता ने क्यों करा और इसके पीछे क्या कारण है, तो ये तो एक आत्ममंथन होगा कि क्या समीकरण रहे, उसी पे बात कह सकता हूं। अभी तो जल्दबाजी होगी कहना। ये थे हमारे साथ गंधवानी से कांग्रेस के कद्दावर विधायक जिन्होंने 23,000 से अधिक मतों से विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो जनता तक नहीं पहुंच पाए और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। फिर भी धार जिले की जो जनता है उसका उमंग सिंघार ने आभार माना है, क्योंकि यहां से 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का निर्णय है, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसे सहर्ष करूंगा। INS 24x7 चैनल के मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा, साथ लोकेश ब्राइट, धार।